नमस्कार। आज हम कार्बनिक पदार्थों का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बनिक यौगिकों की पहचान उन विधियों द्वारा संभव नहीं होती जिनके द्वारा अकार्बनिक यौगिकों का परीक्षण किया जाता है। इसका कारण कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों की प्रकृति में भिन्नता है। अकार्बनिक यौगिकों में विद्युत संयोजक बंध उपस्थित होते हैं, अतः जब अकार्बनिक यौगिकों को जल में घोला जाता है तो वे अम्लीय व भास्मिक मूलक देते हैं जिनका क्रमबद्ध परीक्षण किया जा सकता है। जबकि कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध होते हैं, अतः जब इन्हें पानी में घोला जाता है तो प्रायः ये यौगिक अविलेय या बहुत कम विलेय होते हैं। इनके आयन नहीं बनते हैं, अर्थात कार्बनिक यौगिकों का परीक्षण आयनों के रूप में नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम कार्बनिक यौगिकों का परीक्षण उसके भौतिक गुणों, उसमें उपस्थित क्रियात्मक समूहों व उसके गलनांक के आधार पर किया जाता है। किसी भी कार्बनिक पदार्थों का परीक्षण निम्न पदों में किया जाता है, जैसे कि हम देखते हैं सिस्टमेटिक स्कीम फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज आउटलाइन बिलो एज। सबसे पहले हम प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं, प्रारंभिक परीक्षण करते हैं। दूसरा, हम उष्मा का प्रभाव या ज्वलनशील प्रभाव या हम सॉल्युबिलिटी टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि तत्वों का परीक्षण के लिए विलेयता किसमें है उसकी इस भी कर सकते हैं। इसलिए उसके बाद डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट के बारे में हम कौन कौन से इसमें तत्व उपस्थित हैं वो उनका टेस्ट करते हैं। क्रियात्मक समूह का टेस्ट करते हैं, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसी प्रकार डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल कंटेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। गलनांक या क्वथनांक हम ज्ञात करते हैं, इनका हम कंफर्मेटरी टेस्ट लगाते हैं, विशिष्ट परीक्षण लगाते हैं और बाद में हम डेरिवेटिव्स या हम उनके डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स बनाते हैं जो कि और उनके मेल्टिंग पॉइंट और व्युत्पन्न बना के उनके गलनांक और कथनांक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं, प्रारंभिक टेस्ट करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जैसे टेस्ट ऑब्जर्वेशन और हम क्या उसका निष्कर्ष निकालते हैं, इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले नेचर यानी कि अवस्था कैसी है, सॉलिड है या लिक्विड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उसकी अवस्था जैसे कि सॉलिड है या लिक्विड है। सॉलिड या लिक्विड मतलब कि वो द्रव अवस्था में है या ठोस अवस्था में है। उसमें जैसे हम देखते हैं कि सॉलिड ठोस अवस्था में कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, अम्ल होता है, फिनोल होते हैं, अमीन होता है और हायर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, उच्चतर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। इसी प्रकार लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में कौन से होते हैं, अल्कोहल होता है, कीटोन होते हैं, एल्डिहाइड, एस्टर, फिनोल, अमीन्स, ये सब द्रव अवस्था या लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। हम अब कलर के आधार पर भी हम उसको प्रारंभिक जांच कर सकते हैं। कलर में जैसे यदि हम देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड येलो कलर का और ठोस है, सॉलिड है, तो वो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन हो सकता है, पैरा नाइट्रो टॉलुइन हो सकता है, नाइट्रो फिनोल हो सकता है और नाइट्रो एनिलीन हो सकता है। यदि कोई येलो कलर का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है और वो लिक्विड है, द्रव है अवस्था में है, तो वो हम नाइट्रो बेंजीन की तरह उसकी पहचान कर सकते हैं। यदि वो भूरा रंग का है, ब्राउन कलर का है, तो वो पैरा टॉलुइडिन हो सकता है और रिसॉर्सिनोल हो सकता है।
यदि वो ब्लैकिश कलर का है तो अल्फा नेफ्थॉल हो सकता है, पिंक कलर का है तो बीटा नेफ्थॉल हो सकता है, और बफ या रेडिश कलर का है एनिलीन, फिनोल, एरोमेटिक अमीन की तरह उसकी पहचान की जा सकती है। और यदि वो रंगहीन है, कलरलेस है, तो सिंपल वो एसिड हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एस्टर, कीटोन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो सकता है। यदि हम अब उसका टेस्ट जो है वो हम ऑर्डर या उसकी भांति करते हैं, उसकी रंग के, गंध के आधार पर करते हैं, तो कार्बोलिक एसिड जो होता है वो फिनोल और क्रिसोल की तरह और फिशी स्मेल आती है तो वो अमीन हो सकता है, स्वीट प्लीजेंट स्मेल आती है तो एस्टर, अल्कोहल और हैलोजन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। यदि उसमें बिटर एलिमेंट की तरह आती है तो उसको नाइट्रोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड हो सकता है, और यदि उसको मॉथ बॉइल्स की तरह आती है तो नेफ्थलीन हो सकता है। नो पर्टिकुलर स्मेल है यदि तो वो एरोमेटिक एसिड, एमाइड और कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। हम फ्लेम टेस्ट करके भी उसका प्रारंभिक परीक्षण ऑर्गेनिक कंपाउंड का कर सकते हैं। फ्लेम टेस्ट में हम देखते हैं कि यदि सूटी फ्लेम्स के साथ जलता है, सूटी फ्लेम्स जैसे कि हम कह सकते हैं कि धुएं रहित ज्वाला के साथ, धुएं रहित बिना किसी धुएं के साथ यदि वो जलता है तो वो कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होती है वो कम होती है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन, एग्जाम्पल CHCl3, CCl3, ये सब क्या है जिसमें कि कार्बन की मात्रा कम होती है और वो सूटी फ्लेम्स के साथ, कहना चाहिए धुएं रहित ज्वाला के साथ जलते हैं। यदि नॉन सूटी फ्लेम्स होती है, धुएं रहित चमकदार ज्वाला होती है, जैसे कि कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक हो, जैसे कि एलिफेटिक कंपाउंड्स या इसी प्रकार सब्सटेंस चीयर्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और सल्फानिलिक एसिड जो होते हैं वो सब्सटेंस चीयर्स करते हैं, मतलब फ्लेम के टेस्ट में चढ़ चढ़ की आवाज जिसकी होती है। अब टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, असंतृप्तता का टेस्ट भी हम कर सकते हैं कि KMnO4, पहला असंतृप्तता का टेस्ट होता है KMnO4 टेस्ट, मतलब कि डाइल्यूट KMnO4 के साथ बेयर्स रिएजेंट के जिसको हम कहते हैं वो टेस्ट करते हैं। तो सब्सटेंस में यदि हम 2 ml वाटर डालते हैं KMnO4 का, तो वो पानी KMnO4 का रंगहीन हो जाता है, तो वो अनसेचुरेशन का और इजीली ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो होते हैं वो उसका टेस्ट देते हैं और वो असंतृप्तता की पहचान को बताता है। इसी प्रकार यदि हम कोई उनका कलरेशन नहीं होता है तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड है, उनका कलर नहीं जाता है KMnO4 सॉल्यूशन का, बेयर्स रिएजेंट का, तो वो संतृप्त कंपाउंड है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक की उपस्थिति को दर्शाता है। इसी प्रकार अनसेचुरेशन टेस्ट, असंतृप्तता टेस्ट ब्रोमीन वाटर के साथ भी हम कर सकते हैं। यदि हम किसी कंपाउंड में 2 ml ऑफ वाटर डालते हैं, अच्छे से उसको शेक करते हैं टेस्ट ट्यूब को, देन 2 drops ऑफ ब्रोमीन वाटर डालते हैं, तो यदि वो ब्रोमीन वाटर जो है, जल है, यदि डी कलराइज हो जाता है तो उसे हम असंतृप्त यौगिक की पहचान के रूप में करते हैं। और यदि डी कलराइजेशन विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेप के बनने के साथ यदि वो डी कलराइज होता है, रंगहीन होता है, तो वो इजीली सब्स्टिट्यूटेड जो होता है वो कंपाउंड्स होते हैं, और कोई भी डी कलरेशन नहीं होता है तो वो संतृप्त यौगिक कहलाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि अब बाद में आता है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट यानी कि विलयता टेस्ट, विलयता परीक्षण में हम देखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों की प्रकृति, कार्बनिक यौगिकों की जो प्रकृति होती है वो ज्ञात करने में उनका यह गुण बहुत ही सहायक होता है, क्योंकि जैसे निम्न एलिफेटिक अम्ल, एल्कोहल, कुछ एलिफेटिक एल्डिहाइड,
कीटोन्स, पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स जो होते हैं वो आसानी से जल में, यूरिया ठंडे जल में विलय हो जाते हैं। एलिफेटिक अमाइड, मोनो व डाइसैकेराइड व यूरिया ठंडे जल में विलय होते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक अम्ल, अमीन, हैलोजन यौगिक, नेफ्थलीन, हाइड्रोफिनोल, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, कीटोन, स्टार्च इत्यादि जो होते हैं वो जल में अविलय होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये टेस्ट भी हम इस हिसाब से कर सकते हैं। 0.1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 3 ml ऑफ वाटर। यदि हम टेस्ट कैसे करते हैं, 0.1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस लेते हैं, उसमें 3 ml करीब पानी डालते हैं और सॉल्यूशन को लिटमस पेपर के साथ हम टेस्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि सब्सटेंस यदि डिसॉल्व हो जाता है तो वह लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल हो सकता है, एस्टर हो सकता है, कीटोन हो सकता है और कार्बोहाइड्रेट। यदि यदि टेस्ट करते हैं उस जल का लिटमस पेपर के साथ, यदि वो लिटमस पेपर रेड हो जाता है, वाटर सॉल्यूबल एसिड और फिनोल प्रेजेंट माना जाता है। यदि रेड लिटमस को यदि वो पेपर ब्लू कर देता है और वाटर सॉल्यूबल होता है, वाटर में विलय होता है ऑर्गेनिक कार्बनिक कंपाउंड यौगिक, तो वाटर सॉल्यूबल बेस प्रेजेंट होते हैं और नो एक्शन ऑन लिमिट लिटमस पेपर, देन वाटर सॉल्यूबल जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। सेकेंड टेस्ट हम करते हैं 0.1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, सैचुरेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, और तो यदि उसमें से स्ट्रॉन्ग CO2 की एफरवेसेंस बाहर निकलती है, बहुत तेज तेज झागदार गैस यदि उसमें से बाहर निकलती है, तो उस सॉल्यूशन को, टू दिस क्लियर सॉल्यूशन यदि हम HCl, सांद्र HCl डालते हैं, तो नो सॉलिड, यदि कोई भी सॉलिड ठोस अपीयर नहीं होता है टेस्ट ट्यूब में, तो वाटर सॉल्यूबल एसिड प्रेजेंट ये दर्शाता है। यदि 0.1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस प्लस वाटर शेक वेल सब्सटेंस डिजॉल्व हो जाता है, टू दिस क्लियर सॉल्यूशन एड अल्कोहलिक FeCl3। यदि ब्लू और वॉयलेट कलर आता है, इट मीन्स वाटर सॉल्यूबल फिनोल प्रेजेंट है। इसी प्रकार यदि परफॉर्म द फॉलोइंग टेस्ट ओनली इफ सब्सटेंस इज इनसॉल्यूबल इमिसिबल इन वाटर। तो यदि जो सॉल्यूबल है उनके हमने टेस्ट किए, तो हम फिनोल प्रेजेंट हो सकता है, एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करने पर यदि अभिक्रिया देता है तो एसिड प्रेजेंट हो सकता है, और लोअर एल्कोहल और ये कीटोन प्रेजेंट हो सकते हैं। यदि जो ऊपर यदि वाटर सॉल्यूबल नहीं है, तो परफॉर्म द टेस्ट ओनली इफ सब्सटेंस इज इनसॉल्यूबल और इमिसिबल, तो हम टेस्ट बी की तरफ बढ़ते हैं, जिस जो कि उसमें इनसॉल्यूबल होता है। तो 0.1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस प्लस 3 ml ऑफ सैचुरेटेड सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, और उसको शेक करेंगे। यदि जो सॉल्यूशन मिलता है वो क्लियर सॉल्यूशन में यदि हम HCl को धीरे धीरे डालते हैं, तो हमको स्ट्रॉन्ग एफरवेसेंस आती है और सॉलिड अपियर होता है, तो हमारे कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है, और यदि सॉलिड अपियर होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड कंफर्म हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम 0.1 ग्राम सब्सटेंस में प्लस 3 ml डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन डालेंगे, शेक करेंगे, तो सब्सटेंस यदि डिसॉल्व हो जाता है, टू दिस क्लियर सॉल्यूशन एट कंसंट्रेटेड HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये सॉलिड और इमल्शन अपीयर्स, फिनोल उसमें प्रेजेंट होता है। और थर्ड टेस्ट में हम देखते हैं कि 0.1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस 3 ml ऑफ 1 HCl, 1:1 का HCl डालेंगे, शेक करेंगे, टू दिस क्लियर सॉल्यूशन यदि 20% NaOH सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं और हमें सॉलिड प्राप्त होता है और ब्लू कलर आता है, तो ये बेस की उपस्थिति को शो करता है। और सब्सटेंस सॉल्यूबल इन NHC, यदि कोई भी सब्सटेंस NaHCO3 में और NaOH और HCl तीनों में ही विलय नहीं होता है, तो कोई भी उदासीन कंपाउंड उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये हम देखते हैं। अब लास्ट डिटेक्शन, अभी हम आगे देखते हैं, डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। सोडियम फ्यूजन टेस्ट करते हैं, लहसाने टेस्ट करते हैं,
यदि हमको एक्स्ट्रा एलिमेंट उसमें हमको प्रेजेंट हो तो टेक द स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। हम कैसे लहसाने विलयन बनाते हैं, एक जो स्मॉल पीस होता है उसका सोडियम का जो स्मॉल पीस होता है, तो ये सब हम लहसाने विलयन किसके लिए बनाते हैं, तत्वों की पहचान होने से हमें पता लगाया जा सकता है कि दिया हुआ यौगिक किस वर्ग का है। तो यौगिक में नाइट्रोजन तत्व की उपस्थिति नाइट्रो अमीन और एमाइडो की बोध कराती है, जबकि क्लोरीन तत्व की उपस्थिति से पता चलता है कि दिया हुआ यौगिक एलिफेटिक है या एरोमेटिक क्लोरो यौगिक हो सकता है। नाइट्रोजन व सल्फर की एक साथ उपस्थिति यह बताती है कि दिया हुआ यौगिक थायो यूरिया हो सकता है। प्रत्येक कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक तथा हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन उपस्थित हो सकते हैं। तो हम इन सबको पताने करने के लिए सबसे पहले हम लहसाने विलयन बनाते हैं। लहसाने विलयन बनाने के लिए हमें, जिसे कि हम सोडियम एक्सट्रैक्ट निष्कर्ष भी कहते हैं, ताजा कटा हुआ मटर के दाने के बराबर सोडियम धातु का एक टुकड़ा लिया जाता है और इसे फिल्टर पत्रों के बीच में रखकर शुष्क कर लिया जाता है। शुष्क सोडियम धातु के टुकड़े को एक शुष्क ज्वलन नली में डाल दिया जाता है। नली का थोड़ा गर्म करते हैं, जिसमें सोडियम का टुकड़ा पिघल कर चमकदार दाने की तरह मोती के रूप में आ जाए। इस समय नली को लो से हटाकर दिए हुए कार्बनिक यौगिक पदार्थों की चावल के दाने के बराबर मात्र 2-3 बूंदे अगर दिया हुआ यौगिक द्रव हो तो डालते हैं। नली को पहले धीरे धीरे फिर तेज से लो में इतना गर्म करते हैं कि ज्वाला नली की लाल तप्त हो जाए। अब इस नली को पॉरिसलिन प्याली या बड़ी परख नली में रखकर 10 से 15 ml आंसू जल में डाल देते हैं, जिससे कि नली तड़क कर टूट जाती है। अगर नली नहीं टूटे तो उसको हम कांच की सहायता से तोड़ देते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया को जो हमने की है वो पुनः दोहराकर फिर उसमें प्याली में लेकर तोड़ देते हैं, और इस प्रकार हम जाली पर रख के उसको बर्नर पर खूब गर्म करते हैं ताकि जो विलयन है पानी का वो करीब करीब आधा रह जाए, और उसमें हम सोडियम निष्कर्ष अधिक मात्रा में होने पर क्षारकीय होता है। अगर ये क्षारकीय नहीं है तो उसमें हम ऐसी स्थिति में परीक्षण करने से पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड की 2-3 बूंदे हम डाल देते हैं। तो यही सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने का हमारा तरीका है। अब हम आगे का जो कैसे तत्व को परीक्षण करेंगे, तो गलन की इस प्रक्रिया में निम्न अभिक्रियाएं होती हैं, जो कि जैसे कि सोडियम कार्बन और नाइट्रोजन तीनों मिलकर सोडियम साइनाइड बनाते हैं। क्योंकि कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक बंध से बंधे रहते हैं, तो NaCN बनने से ये क्या है कि आयनिक कंपाउंड बन जाता है। इसी प्रकार सोडियम सल्फर से मिलकर Na2S बनाता है, सोडियम क्लोरीन से मिलकर NaCl बनाता है, ब्रोमीन से मिलकर NaBr बनाता है, और आयोडीन से मिलकर I2 बनाता है। और कार्बन नाइट्रोजन सल्फर तीनों सोडियम से मिलकर NaCNS सोडियम थायोसाइनेट बनाते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में किस प्रकार से तत्वों का हम परीक्षण करेंगे आगे हम देखेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।